जय हिंद। मैं भी सिंह देवती और आज हम बात करने वाले हैं कि रनिंग करते समय जो आपके पेट में दर्द होता है, ये जो आपके जो आप कहते हो किडनी के बिल्कुल यहाँ नज़दीक बहुत दर्द होता है, सर क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं कि ये क्यों होता है, फिर बाद में इसका एक ऐसा इलाज बताएंगे कि रनिंग करने के बाद आपको जो है पेन नहीं होगा, ना रनिंग करते समय पेन होगा ही नहीं पेट में। और अगर पेट में दर्द होगा रनिंग करते समय तो आपको पता है रनिंग पूरी नहीं होती, क्योंकि आपको ऑलरेडी पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है? तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि ये क्यों होता है। कुछ कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे मेन कारण हो सकता है कि आपने रनिंग करने से पहले कुछ हैवी खाना खाया है जिसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। दूसरा कारण, आपने जस्ट अभी स्टार्ट करी है रनिंग, जिसके कारण क्या हो रहा है ना, बॉडी अभी उसे सहन करने की कोशिश कर रही है और उसकी वजह से पेट दर्द होता ही है, ठीक है। क्योंकि आप पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट फूड और उठपटांग चीज़ें खाते थे, पहले वर्कआउट नहीं करते थे, उसकी वजह से पेट में दर्द होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ें, आप क्या करते हो, आपकी सांस लेने की जो गलत तरीका हो सकता है। देखो, बॉडी में जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जमा होने लग जाती है, ऑक्सीजन की बजाय ऑक्सीजन की मात्रा कम, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, छाती में दर्द, पेट में दर्द होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो जिनके छाती में दर्द होता है उनकी ये कारण हो सकते हैं। इलाज बताएंगे, पहले इन पर बात कर लेते हैं गलतियाँ, ठीक है। ये चीज़ गलती है, इन गलतियों पर थोड़ा ध्यान दो अगर ये गलतियाँ करते हो। देखो, खाने से पहले आप क्या कर सकते हो, मतलब रनिंग करने से पहले कुछ केले वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, थोड़े हल्के वर्ग का कुछ ये खा सकते हो, ना कि रोटी सब्जी खा के आओ घर से, उससे फिर पेट में दर्द होगा, ठीक है। एक और चीज़ कि यहाँ का जो ये हम पहनते हैं ना लोअर शॉर्ट्स, ये आपका काफ़ी टाइट होता है ना, तो ये यहाँ की नसें भिज जाती हैं, भिजने की वजह से जो है ना यहाँ पेट में भी दर्द होता है, इसके भी चांस होते हैं बहुत सारे। आप ज़्यादा टाइट वाली चीज़ मत पहना करो, जो काफ़ी टाइट रहती है, यहाँ की ये जो रबड़ होती है ना, ये काफ़ी टाइट वाली मत पहना करो, ठीक है। थोड़ी ठीक हो, एवरेज हो, वो ठीक रहता है। और अब बात करते हैं इलाज, पेट में जो दर्द होता है। सबसे पहले रनिंग करने से पहले आपको कुछ हल्का फुल्का खाना खाना है, हैवी खाना नहीं खाना, ठीक है। दूसरी चीज़, जिन बच्चों ने रनिंग अभी जस्ट स्टार्ट करी है, वो लॉन्ग रनिंग पर ज़्यादा ध्यान दें और ईजी रनिंग करें। उससे क्या होगा ना, आपकी एक पावर बनने लग जाएगी, आपका एक माइंड सेट होने लग जाएगा और आपकी बॉडी सहन करने लग जाएगी कि आप रनिंग कर सकते हो धीरे धीरे ईजिली, ठीक है। ये चीज़ है। और रनिंग करते समय अगर मान लो आपका कोई सा भी एरिया इस साइड या इधर, एग्जांपल जैसे अगर आपका इस साइड दर्द हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके साथ ही आपको बिना रुके रनिंग करते समय ही बात कर रहा हूँ मैं, अगर कोई सा भी इवेंट आप कर रहे हो 1600 5 किलोमीटर कोई सी भी ऐसी रनिंग कर रहे हो और नॉर्मल रनिंग कर रहे हो, तो आपको क्या, जैसे ये पेट में दर्द होने लगता है, तो आपका इस साइड का ये जो हाथ है ना, आपको इस अंगूठे को पूरा इस तरीके से दबाना है और फिर उंगली को बिल्कुल टाइट कर लेनी है। इतना टाइट होना चाहिए कि हिलनी भी नहीं चाहिए इस तरीके से, ठीक है। ऐसे नहीं बिल्कुल लूज कर रखा, ना कभी टाइट भींच के ऐसा करना है, ये नॉर्मल हाथ रखना है, जिस साइड पे ना सिर्फ उसी साइड, और इसको आपको हर 5 सेकंड 10 सेकंड में खोलते रहना है। 5 सेकंड खोला, फिर दोबारा ऐसे पकड़ा, टाइट करा, फिर रनिंग करने लगे, 5-10 सेकंड फिर खोला, फिर दोबारा ऐसे करा, इस तरीके से रनिंग करने लगे, ठीक है। इससे काफ़ी फर्क होगा, ये पंपिंग का काम करता है, एक साइंस का, ये मैं खुद यूज़ करता हूँ तो मेरे को पता है। मेरे को कभी कभार पेट में दर्द हो जाता है तो मैं ये चीज़ें करता हूँ। और आप क्या कर सकते हो, थोड़ा पेट पे ज़्यादा ध्यान दो, एब्स की एक्सरसाइज करा करो, कोर की एक्सरसाइज करा करो, मजबूत करा करो, पेट आपका हल्का फुल्का रहता है ना, मसल खाली खाल लटकती रहती है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा फैट होने की वजह से पेट में भी दर्द होता है, ठीक है। और चीज़ें कि रनिंग करते समय आप, अगर आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हो या कैसी भी रनिंग कर रहे हो, शॉर्ट में तो जल्दी से पेट में दर्द नहीं होता, ठीक है। जो ज़्यादातर जो लॉन्ग है 1600 मीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इन रनिंग में ना क्या करा करो, स्टार्टिंग में नाक से सांस लिया करो, नाक से ही छोड़ा करो, और जब आपकी बॉडी ज़्यादा भर जाए, मतलब जब बॉडी भरने लग जाए, जब आप मुँह से स्टार्ट करो, उससे देखो, मैंने अभी तक जो मेरी रिसर्च है, मेरी खुद की है, उससे ये पता लगा कि नाक से जितनी भी हम ऑक्सीजन लेते हैं उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, मतलब बॉडी में जितना ही ऑक्सीजन की मात्रा जाएगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। बट मुँह से क्या होता है, मुँह से ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है पर कार्बन डाइऑक्साइड कम बाहर निकलती है, और कम बाहर निकलने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में जमने लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ छाती में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि लंग्स में तो कार्बन डाइऑक्साइड भर गई इसलिए छाती में दर्द होने लग जाता है और पेट में दर्द होता है, तो यही कारण होता है थकने का, ठीक है। तो ये चीज़, इन चीज़ों पे ध्यान रखो, अगर इन चीज़ों पे ध्यान रखोगे तो पेट का दर्द की काफ़ी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी बहुत ही जल्दी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर और कोई आपकी प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, यहाँ पे आपको आईडी दे दूंगा, साथ साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करता, हमारे चैनल पर स्पोर्ट्स फिटनेस आर्मी से जुड़ी काफ़ी वीडियोज़ डेली आती रहती हैं और रनिंग टिप्स से भी जुड़ी काफ़ी वीडियोज़ डेली आती रहती है, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना उम्मीद करता हूँ, काफ़ी अच्छी लगेगी। जय हिंद।